हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र तिवारी आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री विश्व इतिहास का चौथा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे समझेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ इटली, इटली का एकीकरण। तो इटली एक्चुअली कई सारे छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था, जिसका ना अपना एक कोई झंडा था, ना कोई एक फ्लैग था, ना कोई अपना एक मुद्रा थी, करेंसी थी, और ना ही अपना कोई एक रीति रिवाज त्यौहार था। एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध था, एक शहर दूसरे शहर के विरुद्ध था, विरुद्ध मतलब अपोजिट, विचारधारा थॉट्स मिलते ही नहीं थे। इनफैक्ट एक गांव दूसरे गांव के खिलाफ था, एक परिवार एक फैमिली दूसरे फैमिली के खिलाफ थी, इनफैक्ट एक आदमी दूसरे आदमी के खिलाफ था। समझ पा रहे हैं आप, ये कोई देश है? ये तो एकदम शमशान घाट समझो आप, जहां पर लोगों में कोई भी इक्वालिटी थी ही नहीं विचारधारा को लेकर, आइडियोलॉजीज को लेकर। और इसी से बहुत ज्यादा दुखी थे इटली के लोग। इटली की गणना, इटली की काउंटिंग यूरोप के सबसे पिछड़े सबसे नगण्य देशों में की जाती थी, और इटली की अपनी कोई परंपरा थी ही नहीं, अपनी कोई सांस्कृतिक पहचान थी ही नहीं, अपना कोई सद्भाव, अपना कोई आइडियोलॉजी था ही नहीं। इससे इटली के राष्ट्रवादी लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। इटली की स्थिति, इटली की कंडीशन पर कमेंट करता हुआ ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक कहता है कि इटली एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। भौगोलिक अभिव्यक्ति मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया है, एक ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था इटली के ऊपर, और इसी क्वेश्चन मार्क को हटाना चाहते थे इटली के राष्ट्रवादी लोग, जिसके लिए उन्होंने कई वर्षों तक लगातार प्रयास किया, और उनके ही प्रयासों से आखिरकार इटली यूरोप के बड़े देशों में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सका, अपने आप को स्थापित कर सका। तो आज हम लोग पूरी इटली की कहानी समझेंगे पढ़ेंगे। याद रखना, 19वीं शताब्दी से पहले इटली का कोई बड़ा महत्व था ही नहीं, इटली की अपनी कोई पहचान अपना था ही नहीं 19 सेंचुरी से पहले। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री में हम बार बार पढ़ेंगे 19 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, 5th सेंचुरी, तो इसे घबराना नहीं है। जैसे अभी प्रेजेंट में क्या चल रही, 21वीं सेंचुरी, तो 2000 से लेकर 2099 तक की सारी घटनाएं 21वीं सेंचुरी में आएंगी, 21st सेंचुरी में। तो सेम 1800 से लेकर 1899 तक की घटनाएं किस में आएंगी, 19 सेंचुरी में। तो 1800 से लेकर 99 तक के बीच को हम 19 सेंचुरी बोलेंगे। तो पूर्वार्ध में, 19वीं सेंचुरी के पूर्वार्ध में मतलब शुरुआत में 1810 15 20 तक इटली बहुत ताकतवर नहीं था। इटली को अगल बगल के पड़ोसी देश पूरी तरीके से दबा रखे थे, और इटली बस एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र रहकर सीमित हो चुका था। तो आज हम पूरे इटली की कहानी, इटली के एकीकरण की पूरी कहानी एमसीक्यू के जरिए पढ़ेंगे समझेंगे, ताकि हमारे मन में एक थॉट क्रिएट हो सके और हम लोग इस टॉपिक से संबंधित सारे प्रश्न को कर सकें एग्जाम में। तो पहला प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इटली में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो स्टार्टिंग में 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में इटली में कितने राज्य थे, कितने स्टेट थे? ऑप्शन क्या है, 11, 12, 13, 14। तो आंसर क्या होगा, 13। कितने राज्य थे, 13 राज्य थे। याद रखना, हमने सेकेंड क्लास में अमेरिकन रिवॉल्यूशन में, अमेरिकी क्रांति में भी पढ़ा था ना कि स्टार्टिंग में अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी थी, तो वहाँ भी 13 थी ना, और यहाँ भी 13 है। तो एक तीर से दो निशाना, ऐसे ही निशाना लगाना है।
अगर एक तीर से सोचे कि एक शिकार करेंगे तो भैया गया मामला, विश्व इतिहास समझ में नहीं आना, बंद कर दो पढ़ाई लिखाई विश्व इतिहास की। विश्व इतिहास ना एक बहुत बड़ा टॉपिक है, विश्व इतिहास में हम कई सारे सब्जेक्ट को मर्ज करके पढ़ते हैं समझते हैं। जैसे वो पेपर न्यूज़पेपर वगैरह में एडिटोरियल नहीं होता संपादकीय जिसमें कई सारे विषयों की जानकारी समाहित होती है, ऐसे ही वर्ल्ड हिस्ट्री में कई सारे सब्जेक्ट एक साथ मर्ज होते हैं। इसमें एकदम कान खड़ा होना चाहिए और दिमाग अलर्ट होना चाहिए। नहीं तो कान भी खड़ा रखो जैसे खरगोश खड़े रखते हैं, ऐसे ही रखना है और चौकन्ना रहना है एकदम बी अलर्ट। तो राज्यों की संख्या 13। अगला प्रश्न क्या है, इटली के एकीकरण में किस राज्य ने अगुवाई की थी। तो इटली तो कई सारे राज्यों में प्रांतों में बटा हुआ था, तो इटली को एक करने, इटली को इस्टेब्लिश करने की शुरुआत किस राज्य से हुई। ऑप्शन क्या है, सार्डिनिया, पीडमोंट, बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, इसमें सही हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। याद रखना इटली के एकीकरण की शुरुआत सार्डिनिया और पीडमोंट नामक राज्यों से शुरू होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना सार्डिनिया और पीडमोंट नामक राज्यों से इटली की एकीकरण की शुरुआत होती है। अगला, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन था, मतलब सबसे बड़ा बैरियर कौन था, सबसे बड़ा बैरियर देश आपको कंट्री सर्च करना है। तो याद रखना आज की देश में, आज की डेट में हम लोग ऑस्ट्रिया को ज़्यादा सुनते नहीं हैं, लेकिन यार एक जमाना था वर्ल्ड हिस्ट्री का, विश्व इतिहास का, उस समय ना हम लोग ऑस्ट्रिया को बार बार और लगातार पढ़ते थे। तो जब भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे ना आप ऑस्ट्रिया बार बार पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं पढ़ेंगे, ऑस्ट्रिया पढ़ेंगे। आज की डेट में ऑस्ट्रिया गायब है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा हम लोग पढ़ते हैं। तो ऑस्ट्रिया इज अ यूरोपियन कंट्री, यूरोपीय देश है ऑस्ट्रिया। ये सबसे बड़ा बाधक था किसके एकीकरण में, किसके यूनाइट होने में, किसके इंटीग्रेशन में, इटली के, ये पूछा गया प्रश्न है। यहाँ क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया। अगला, इटली की एकता का जन्मदाता किसे कहा जाता है। इटली की एकता का जन्मदाता जिसने इटली को में यूनिटी स्टार्ट करी, इटली में लोगों को एक करना शुरू कर दिया, और जो कई सारे राज्य शहर गांव परिवार इनफैक्ट आदमी का दुश्मन था, तो उन सब में यूनाइट करने का काम किसने किया, उन सब में यूनिटी लाने का काम किसने किया, तो वो था नेपोलियन। याद रखना कौन, ऑप्शन क्या है, सीधा नेपोलियन लगाना है, मेजनी काबुर विक्टर इमैनुअल वगैरह भूल जाना है, क्या था, नेपोलियन। हाँ अगर आपसे पूछा जाए इटली के एकीकरण का जनक कौन था, फादर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इटली, तब होगा मेजनी, लेकिन इटली में एकता की शुरुआत किसने करी, तो नेपोलियन था। मैंने इसकी पहले वाली क्लास फ्रांस की क्रांति में आपको बताया था। इतिहासकार कहते हैं कि नेपोलियन ने जितना बनाया उससे कहीं ज़्यादा नष्ट किया। पॉइंट शुड बी नोटेड, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में है कि नेपोलियन फ्रांस का था ना, जितना बनाया उससे कहीं ज़्यादा उसने नष्ट किया, लेकिन उसने यूरोप के सोए हुए लोगों को जगा दिया। यूरोप के में जो एकता नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, इंग्लैंड जिसका फायदा उठा रहा था, नेपोलियन बोनापार्टी ही है जिसने कहा था इंग्लैंड के बारे में कि इंग्लैंड तो बनियों का देश है। तो याद रखना जिसका फायदा इंग्लैंड उठा रहा था, तो सोए हुए लोगों को किसने जगाया, तो उसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन ने यूरोप के देशों में नेशनलिज्म राष्ट्रवाद को पैदा किया, राष्ट्रवाद की भावना को की शुरुआत नेपोलियन ने ही की। तो ये पूछा गया प्रश्न है, इटली की एकता का जन्मदाता नेपोलियन। लेकिन अगर पूछा जाए मेजनी कौन था, या पूछा जाए इटली के एकीकरण का जनक, तो वो मेजनी है। मेजनी को इटली का बाजीगर भी कहा जाता है, ठीक ना, मतलब पासा पलट देना और कैसे इटली को यूनाइट रखा इसने, और आगे चल के दोबारा से इसने इटली को वो साख दी
जिसके काबिल था इटली। तो ये सारे प्रश्न नोट कर लो, अगला फिर प्रश्न हम लोग फिर से करवाते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके बोर्ड पर लिखा होगा, इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी या ऑल एबव, उपर्युक्त सभी। तो याद रखना, अभी इसके पहले वाला प्रश्न क्या था? इसके पहले वाला प्रश्न था कि इटली में एकता की शुरुआत किसने करी, तो वो है नेपोलियन। लेकिन कह रहा है एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जनक मैंने बताया था, एकीकरण का जनक कौन था? फादर ऑफ इंटीग्रेशन इन इटली, तो मेजनी। लेकिन यहां अकेले मेजनी नहीं सही होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्न दूसरा है, डिफरेंस है प्रश्न में, डिफरेंट टाइप का प्रश्न है। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी, उपर्युक्त सभी। तो क्या हुआ, मेजनी का अपना आदर्शवाद था, अपनी आइडियोलॉजी थी, और बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी थी। उसकी आइडियोलॉजी को, उसके आदर्शवाद को काबुर के मस्तिष्क ने धार दी, शार्पनेस दिया, और गैरिबाल्डी की वीरता को एक दिशा दी। तो मैजनी, काबुर, गैरिबाल्डी तीनों अलग हैं, इनकम्प्लीट है बिना तीनों आपस में मिले। जब तक तीनों की विचारधारा, तीनों की ताकत यूनाइट नहीं होगी, एक नहीं होगी, जब तक तीनों अपनी जगह क्या है, इनकम्प्लीट है। और तीनों जब मिल जाएंगे तो तीनों की अपनी एक्सपर्ट एरिया थी, एक्सपर्टीज थी हर जगह अपनी अपनी क्षेत्र में, तो तीनों की एक्सपर्टीज मिलकर एक क्या होगी, एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी इटली के एकीकरण में। तो याद रखना, तीनों का नाम मैजनी, काबूर, गैरिबाल्डी। एक और शख्स है, काबूर के मरने के बाद लास्ट में जब इटली एक का एकीकरण हो जाता है, तब एक शख्स और जुड़ जाता है, उसका नाम था एमैनुअल। क्या नाम था? विक्टर एमैनुअल। तो विक्टर एमैनुअल भी आगे चल के जुड़ जाएगा। तो जब उसका एकीकरण हुआ तो विक्टर एमैनुअल था उस समय। तो मेन तो यही तीन है, और अगर कभी ऑप्शन में विक्टर एमैनुअल भी होता है तो वो भी सही रहेगा, है ना? तो चार नाम, मोस्टली तीन नाम पूछा जाता है, लेकिन विक्टर एमैनुअल भी याद रखना है, लास्ट में ये आता है। अगला प्रश्न, कार्बोनरी सोसाइटी में कौन शामिल था? तो याद रखना, कार्बोनरी सोसाइटी एक संस्था थी, स्पेशली जो कोयला झोंकते थे ना, आप जानते हैं इंजन वगैरह बनते थे, कई किलोमीटर की रेल लाइनें इटली में भी बन चुकी थी, बिछ गई थी, पहले भाप का इंजन था, हाँ जानते होंगे आप, फिर धीरे धीरे, फिर आप आजकल सुना होगा आपने, लाइट का भी इंजन चलने लगा है, कुछ दिन में पता नहीं और कौन कौन इंजन आ जाएगा। तो कार्बोनरी सोसाइटी में स्पेशली शुरू में कोयला झोंकने वाले जो सदस्य थे, मजदूर थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी, बाद में इसमें कई लोग शामिल हो गए। तो ऑप्शन क्या है, मजदूर, किसान, धर्मगुरु, उपर्युक्त सभी। तो ऑल अबव ही सही रहेगा, उपर्युक्त सभी, जिसमें मजदूर भी शामिल हैं, किसान भी शामिल हैं, धर्मगुरु भी शामिल थे, जो अफसर वगैरह थे, ऑफिसर, वो भी शामिल हो गए बाद में, आपका जो कुलीन वर्ग था, हाँ वो भी शामिल हो जाता है, बुर्जुआ वर्ग, ये सब भी शामिल हो जाते हैं, सर्वहारा वर्ग, तब जाके फिर इटली का एकीकरण पॉसिबल होता है। नहीं तो इटली तो बटा हुआ था, जनरली इटली उत्तरी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में, तीन भाग में बटा हुआ था, और फाइनली फिर संयुक्त इटली का निर्माण होता है। तो अगर पूछ ले कि एकीकरण से पहले इटली कितने भागों में बटा था, तीन, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिणी इटली, नॉर्थ इटली, मिडिल इटली और साउथ इटली। अगला प्रश्न क्या है, किस युद्ध ने इटली की एकीकरण का रास्ता खोल दिया? तो इटली के एकीकरण के लिए कई सारे युद्ध लड़े गए, लेकिन एक ऐतिहासिक युद्ध था जिसने इटली के एकीकरण का रास्ता खोल दिया। तो ऑप्शन क्या है, क्रीमिया, सार्डिनिया, पिडमोंट, नेपल्स। तो ऑप्शन क्या सही होगा, क्रीमिया, याद रखना है क्रीमिया। कहा जाता है क्रीमिया
कि कीचड़ में ही इटली का उदय हुआ, पॉइंट शुड बी नोटेड, क्रीमिया के ही कीचड़ में इटली का उदय हुआ। तो क्रीमिया की लड़ाई तुर्की, जानते होंगे यूरोपियन देश है टर्की, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं तुर्की या टर्की, वो भी 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में बहुत ताकतवर देश था। तो तुर्की के खिलाफ फ्रांस और इंग्लैंड मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, और इसमें कौन आ गया, इटली भी शामिल हो जाता है कई हजार सैनिकों के साथ। और इस युद्ध के बाद ही जब मित्र राष्ट्रों, मित्र राष्ट्र मतलब जिसका सपोर्ट किया था इटली के राष्ट्रवादियों ने, तो मित्र राष्ट्रों में इटली को भी बुलाया गया, और फ्रांस के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर ने मेजनी की तरफ मुस्कुराते हुए कहा था कि यार मान गए गुरु तुम्हें, कि जहां तुम्हारा अधिकार नहीं था वहां भी तुमने अपना अधिकार ले लिया, मान गए तुम्हारी चतुराई, तुम्हारी कूटनीति। तो समझ सकते हैं आप कितना चतुर, कितना होशियार, कितना दूरदर्शी था मेजनी। ऑस्ट्रिया एक देश है जो धुर विरोधी था इटली के एकीकरण का, उसने कहा ना भाई हम इसमें इटली को इनवाइट नहीं करेंगे इस सम्मेलन में, लेकिन मित्र देशों ने कहा भाई मेरी मदद किया युद्ध में अपनी, क्यों नहीं भी इनवाइट करोगे। और फिर सार्डिनिया, पीडमोंट, ये एरिया किसको मिल जाते हैं, इटली को, और यहीं से फिर इटली के एकीकरण की शुरुआत हुई। तो वो बात सही है कि क्रीमिया के कीचड़ में इटली का उदय हुआ। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, किस नगर को संयुक्त इटली की राजधानी घोषित किया गया। फाइनली जब इटली का एकीकरण कंप्लीट हो जाता है तो संयुक्त इटली की एक कैपिटल बनी, जहां से पूरे इटली को मॉनिटर किया जा सके। तो उस नगर का नाम क्या है, ऑप्शन क्या है, सिसिली, विला फ्रेंका, रोम, नेपल्स। तो क्या है इसमें, रोम, याद रखना ये पूछा गया प्रश्न है कि इटली के एकीकरण के बाद या संयुक्त इटली की राजधानी क्या बनी, तो वो क्या थी, रोम। रोम बहुत ही खूबसूरत शहर है दोस्त, मैं तो कभी गया नहीं हूँ, प्लान था मेरा जाने का, रुपया पैसा कमा लूँगा एक दिन तो मैं पक्का रोम जाऊँगा, और आप भी पक्का जाइएगा। हाँ, अब तो बीच में कोरोना फैला हुआ है ना, इसलिए मत जाइएगा, मरना हो तभी जाइएगा, अब मरना है नहीं, मरने हर आदमी डरता है। तो चीन के बाद से कोरोना जब चीन में तेज हुआ, उसके बाद इटली में ही तो तेज हुआ, बाद में स्पेन होते हुए कहाँ शिफ्ट हो गया, अमेरिका में बहुत लोग मर रहे हैं। तो रोम एक खूबसूरत नगर था, लेकिन अब वीरान पड़ा हुआ है रोम, होटल सब पूरा जो था ना, रेस्टोरेंट, रियल इस्टेट, सब चौपट हो गया है, और इसकी खुशहाली पे समझ लो कि क्वेश्चन मार्क लग गया, कोई जा ही नहीं रहा। तो रोम एक बहुत ही खूबसूरत शहर है, बहुत लोग जाते हैं घूमने। तो याद रखना ना इसी से, इटली भी खूबसूरत और उसकी राजधानी भी खूबसूरत। जो खूबसूरत लोग होते हैं ना मोस्टली, उनको खूबसूरत ही मिलते हैं, अगर नहीं मिले तो भाई फिर मैचिंग नहीं हो पाती है, फिर आगे चल के मुश्किल हो जाता है जीवन में। चलिए, तो आशा करता हूँ कि ये छोटा सा टॉपिक इटली का एकीकरण आपको समझ में आया होगा, और इससे संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और याद रखना, सोते हुए इटली या पूरे सोते हुए यूरोप को किसने जगाया, नेपोलियन ने जगाया। इटली के एकीकरण में बड़ी भूमिका किसने निभाई, मेजनी काबूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल ने। ओके, और एकीकरण का जनक तो मेजनी, इटली के एकीकरण का या इटली का बाजीगर मेजनी। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो कंजूसी नहीं करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और भी जो पूरा ना किया हो आप कर लीजिए।